दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गूगल के पास सारे सवालों का जवाब है तो आप गलत हो सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में गूगल के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर मैं आपको कहूँ कि इंटरनेट पर जो आप डेटा देखते हैं वो असल में इंटरनेट का 5% भी नहीं है तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सच है, अगर आप कुछ इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपके सामने मौजूद डेटा केवल उसका 5% हिस्सा होता है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि फिर ये 95% डेटा कहाँ है और हम लोग इसे इजीली एक्सेस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बाकी के 95% डेटा डीप वेब या डार्क वेब में छिपा होता है, जो किसी भी आम इंसान के लिए एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। 1990 में पहली बार आम लोगों के लिए इंटरनेट को सार्वजनिक बनाया गया था और तब से समय के साथ कई सारे बदलाव आए हैं। इंटरनेट एक समुद्र की तरह है जिसकी गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है। ये चार हिस्सों में बटा हुआ है, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब और मरियाना वेब। चलिए इनके बारे में और गहराई से जानते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम जनरल पब्लिक के लिए एक्सेस करना बहुत आसान है। जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे जो डेटा और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आता है वो सरफेस वेब का डेटा होता है, जो कि सिर्फ 4-5% ही मौजूद होता है। गूगल क्रोम और बिंग जैसे और कई ब्राउजर्स होते हैं जो सरफेस वेब का पार्ट होते हैं। ये इजीली एक्सेसिबल होता है और आप इस पे कुछ भी बेफिकर सर्च कर सकते हैं। बाकी का डेटा दो लेवल में डिवाइड होता है, पहला डीप वेब जहां आपको एक्सेस करने के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये वेबसाइट्स आपसे कंफर्मेशन के लिए लॉगिन करने को कहते हैं और ज्यादातर वेबसाइट जनरल डोमेन जैसे कि .com, .in, .org, .net एंड .edu का यूज नहीं करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जहां 93% तक डेटा मौजूद होता है। ये वेबसाइट लीगल होती है और इन्हें एक्सेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहां बेसिकली गवर्नमेंट का डेटा स्टोर होता है जो कि सर्च इंजन के इंडेक्स पर अवेलेबल नहीं होता है। बाकी का 2% डेटा जो कि डार्क वेब और मरियाना वेब पर होता है, ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसमें इंटर करना नॉन यूजर के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये वो हिडन डेटा होते हैं जिन्हें जनरल पब्लिक से दूर रखा जाता है। अगर ये डेटा किसी आम यूजर्स के हाथ लग जाए तो वो इंटरनेट के उस गहराई में फंस सकता है जिससे उसका निकलना नामुमकिन हो सकता है। डार्क वेब और मरियाना वेब में इंटर करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स और टूल्स की जरूरत होती है और बस यही नहीं, आपके पास एक्सेस लिंक भी होना चाहिए जिसे सिर्फ वो शेयर कर सकता है जो डार्क वेब का रेगुलर यूजर्स है। इन स्पेशल सॉफ्टवेयर्स में ज्यादा कॉमन है टॉर। ये एक ऐसा ब्राउजर जैसा एप्लीकेशन है जो दुनिया के सबसे गुमनाम नेटवर्क्स पर काम करता है। इस नेटवर्क का यूज ज्यादातर इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए होता है। अगर आप किसी इंसान की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो या उससे किसी चीज का बदला लेना चाहते हो तो यहाँ इन सर्विसेज के लिए भी वेबसाइट मौजूद है जहाँ बेसिकली लोग क्रिमिनल्स को सुपारी देते हैं और अपना काम कराते हैं। ऐसी सर्विसेज आपको डार्क वेब पर हर जगह मिल जाएगी और इसके अलावा भी आप यहाँ कुछ खरीदना और बेचने का काम भी कर सकते हो, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, इंसानी ऑर्गन्स, इंसानी मीट और तो और यहाँ इंसान तक मिल जाते हैं। हैकर्स यहाँ पर किसी भी इंसान के पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल लॉगिन्स, बैंक डिटेल्स जैसे चीज भी सेल करते हैं। यहाँ प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं क्योंकि यहाँ बैंक डिटेल देने का मतलब है अपने सारे पैसे से हाथ धो देना। बिटकॉइंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि इसे ट्रेस कर पाना नामुमकिन होता है, इसीलिए यहाँ बिटकॉइंस में चीजें खरीदनी सबसे ज्यादा सेफ होती है। डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ पर लोग अपनी ऐसी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत रखते हैं जिसे देखकर इंसान तो क्या हैवान भी डर जाए। डार्क वेब पर अलग अलग ऐसे डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहाँ लोग ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो पब्लिकली नहीं की जा सकती है। यहाँ इंसानों को बेहद क्रूरता से मर्डर करने की बातें होती है। ऐसे लोगों की फैंटेसीज को पूरा करने के लिए रेड रूम जैसा वेबसाइट बनाया जाता है जहाँ इंसानों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है और अगर कोई ज्यादा पैसा देकर मारने की बात करे तो उसे जान से भी मार दिया जाता है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो ऐसा चीजें देखना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं तो आपके लिए ये जगह नहीं बनी है, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ जाना चाहते हैं
तो आपको बता दें कि यहाँ कई सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इन डार्क वेबसाइट पर बिकने लगे। आप जब यहाँ विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे एड्स आते हैं जिन पर अगर आप कैंसिल पर भी क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे एप्स इंस्टॉल हो जाते हैं जिनमें वायरसेस होंगे और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके जरिए हैकर्स तक पहुंच जाएंगे। इतना ज्यादा डेंजरस होने के बाद भी आखिर क्यों ये डार्क वेब बैन नहीं है? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें खुद यूएस की मिलिट्री का हाथ है। लेकिन आखिर ऐसी इलीगल चीज अमेरिका ने बनाई क्यों? इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? दरअसल डीप वेब और डार्क वेब बनाया नहीं गया है, जब से इंटरनेट एग्जिस्ट करती है तब से ये हमारे बीच मौजूद है। 1990 के दौरान एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर बनाया, जिसका काम अपने यूजर्स की आइडेंटिटी को इंटरनेट यूज करते वक्त गुमनाम रखने का होता है। यहाँ यूजर्स अपने खुद के डार्क वेबसाइट्स को बनाते हैं जो .com, .in से नहीं .onion से खत्म होते हैं। यूएस मिलिट्री ने इसे इसीलिए बनाया था ताकि वो वहाँ सेफली कम्युनिकेट कर सके बिना किसी डर के। 2004 में टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, जिसका कारण ये था कि यूएस मिलिट्री चाहती थी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए और अपनी वेबसाइट बनाए, जिससे कि यूएस मिलिट्री की खुद की वेबसाइट हैक होने के चांसेस कम हो जाए, और अगर हो भी जाती है तो लोगों को विश्वास ना हो कि ये सच है या फेक। लेकिन लोगों में ये बोलकर पब्लिक किया गया है कि सबको हक है अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का, पर अमेरिका को खुद कोई अंदाजा नहीं था कि ये डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा। डार्क वेब पर मौजूद 90% कंटेंट इलीगल और डरावने होते हैं। अब तो इन्हें बैन करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के ब्राउजर्स ऐसे रिलेज यूज करते हैं जो एक यूजर के आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए उसे 3 अलग अलग आईपी एड्रेस से कनेक्ट करवा के सर्वर पर जंप करवाते हैं। लेकिन फिर भी डार्क वेब पर पुलिस को बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने और ड्रग डीलिंग को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पुलिस भी गुमनाम तरीके से क्रिमिनल तक पहुँचने का रास्ता बना लेती है। तो दोस्तों, ये था इंटरनेट की दुनिया के कुछ ऐसे सीक्रेट जिसे हम और आप अनजान रहते हैं। इन्हें यूज करने के इतने खतरे हैं जिसका आपको अंदाजा तक नहीं है। कई बार कुछ ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जहां पर अगर आप विजिट करते हो और उनका ओनर पकड़ा जाता है तो ये मुमकिन है कि पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक भी दे सकती है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी प्लान है तो उसे अंजाम देने से पहले एक बार सोच जरूर ले। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हम फिर से मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ।